यदुक्तं ज्ञानादि लक्षण भेदात् इति अत्र उच्यते। ये जो आपने कहा था ज्ञानादि ज्ञान शक्ति क्रिया है ना, शुद्ध अशुद्ध मुक्ता मुक्त ये सब बताए थे, इस भेद के वजह से ईश्वर और जीव में भेद है ये कहा था। उस विषय में आप जवाब फिर दे रहे हैं, एक जवाब तो दे दिया है, क्या कहा था? भेद दृष्टि अपवादा, पहला हेतु हो चुका है भेद दृष्टि अपवादा। अब उस पर पुनः विचार कर रहे हैं अन्य तीन हेतुओं से खंडन करेंगे। उसने कहा था जीव ईश्वराद भिन्न ज्ञानादि लक्षण भेदात् अश्व महिषवत्। हमने कहा नहीं नहीं, जीव ईश्वराद अभिन्न भेद दृष्टि अपवादा, भेद दृष्टि अपवादा, भेद दृष्टि का अपवाद हुआ था। क्यों? उस हमारा क्या दृष्टांत है? एकत्व प्रतिपादनी श्रुतियां ही हमारे प्रमाण, दृष्टांत कुछ नहीं मिलेगा। दो वस्तुओं की और कल्पित भेद को लेकर दृष्टांत तो बना सकते हैं, कल्पित भेद को लेकर के आप जो दृष्टांत दे सकते हैं दे सकते हैं, रज्जु सर्पवत, क्योंकि सर्प क्या है? रज्जु में कल्पित है, इसे रज्जु और सर्प दोनों अभिन्न है, कल्पित का अकल्पित के साथ अभेद होता ही है। इसी प्रकार जीव भाव कल्पित है, ईश्वर अकल्पित है, इसे कल्पित अकल का अभेद दृष्टिया रज्जु सर्पवत भी आप दृष्टांत बना सकते हैं। और श्रुतियां तो है, भाष्यकार ने सहस्रशो विद्यन्ते, हजारों हैं अभेद कथन करने वाली श्रुतियां। अब इस लेकिन पूर्व पक्ष को उठाने से पहले, हम आगे सिद्धांत पक्ष जाने से पहले पूर्व पक्ष और समझना है। तीनों वाद के आधार पर पूर्व पक्ष का खंडन करना चाहते हैं भाष्यकार, प्रतिबिंबवाद अवच्छेदवाद आभासवाद को लेकर के। यदि आप भेद मानते हो तो वह भेद हमारे लिए स्वीकार नहीं है, क्योंकि प्रतिबिंब भी कल्पित है, अवच्छेद भी कल्पित है, आभास भी कल्पित है। इसको देखिए तीन नंबर टिप्पणी, इसलिए उसे पहले हाँ टिप्पणी से पहले आप जाइए अंधेरी में। जीव किम बुद्धियादि विशिष्टा चित प्रतिबिंब धर्मित्व गृह्यन्ते, पहला पक्ष प्रतिबिंबवाद। ये जो जीव है बुद्धियादि विशिष्ट चैतन्य का प्रतिबिंब होता हुआ एक स्वतंत्र धर्मी के रूप में आप ग्रहण करना चाह रहे हैं क्या, है ना? काला विकल्प उठा रहे किं वा देव मनुष्यादि शब्दवाच्या सचितिका देहाः अवच्छेदवा, माने देव शरीरावच्छिन्न चैतन्य, देव शरीरावच्छिन्न चैतन्य, मनुष्य शरीरावच्छिन्न चैतन्य, एतादृश तत्तद उपाधि, देवादि के उपाधि जैसे घटपटादि उपाधि, घटावचन आकाश पटावचन आकाश हम बोलते हैं, उसी प्रकार से यहाँ देव मनुष्य शरीरावच्छिन्न जो सचित किसने कह दिया, तदवच्छिन्न चैतन्य, चैतन्य वहां पर विद्यमान है, इतने शरीरों से विशिष्ट जो चैतन्य है उसको मानते हो गया तुम जीव धर्मी। किंवा तृतीय विलक्षण निरुपाधिक भेद भिन्न चेतना, जो निरुपाधिक से अत्यंत भिन्न और अत्यंत विलक्षण एक चेतन तत्व को मान रहे हैं। तीनों पक्ष नहीं हो सकता, पहले दोनों में सिद्ध साधन दोष दे देंगे और अंत में आश्रय सिद्ध दोष देंगे। कैसे? देखिए प्रतिबिंबवाद के बारे में टिप्पण नंबर तीन मित्र ने कहा जीवा किमिति प्रतिबिंबवाद आश्रित्य आह वह शंका, और पांच नंबर टिप्पण कहते हैं अवच्छेदकवादेन आह किम वा इति दूसरा विकल्प। इस बीच चित प्रतिबिंबा इति में बिंब भूता अपि चित अंत प्रविष्टा, बिंब भूता जो चित है वह बुद्धियादि उपाधि के अंदर प्रविष्ट हो गई है, तो इसीलिए प्रविष्टा एव ग्राह्या, उनको तुम जीव रूप में ग्रहण करना चाह रहे हो, तथा तत् प्रविष्ट चित स्वरूपस्य इति नोत्तरा संगति, अतएव तत् प्रविष्ट चित स्वरूप है वह प्रवेश करने वाले चित से अभिन्न होने के नाते सिद्ध साधन दोष हो जाता है, जो हमारे मत में स्वीकृत है। तादृश कल्पित वेद तो वेदांत में भी स्वीकृत है, जीवो ईश्वराद् भिन्नः, जीव ईश्वर से भिन्न है भी मानते हैं, लेकिन केन रूपेण प्रतिबिंबत्वेन उपाधि विशिष्टेन वा, तो प्रतिबिंबवाद में प्रतिबिंबत्वेन और अवच्छेदवाद में उपाधि विशिष्टेन, बुद्धि उपाधि प्रविष्ट प्रतिबिंबत्वेन
एक अतः बुद्धि उपाधि विशिष्ट चैतन्य है ना अवच्छेदवाद में, यह हमारे भी स्वीकार है तो सिद्ध साधन दोष हो गया फिर, क्योंकि उपाधि में प्रतिबिंब हो या उपाधि विशिष्ट चैतन्य दोनों ही कल्पित है, उपाधि वशात प्रतीत हो रहा है, कल्पित का कल्पित भेद को आप भी सिद्ध कर रहे हो फिर तो हमारे मत ये सिद्ध हुआ ना, तो सिद्ध साधन दोष उसको कहते हैं, हमारे मत में जो सिद्ध है उसको तुम यदि सिद्ध कर रहे हो तो तुम्हारे अनुमान में सिद्ध साधन दोष आ जाता है, इसलिए आंदिरकार कहते हैं आद्य सिद्ध साधन तुम महा आद्य पक्ष में भी सिद्ध साधन दोष है, उसको लेकर के भाष्कर ने जवाब दिया न अनभिगमात, यदि उस भेद को वास्तविक कहोगे तो हमारे मत में स्वीकार नहीं है, कल्पित है तो स्वीकार है, अकल्पित है तो स्वीकार नहीं है, इसे न इति उच्यते नानपिगमात, नानपिगमात मतलब दूसरे तरह से भी ले सकते हैं, नए द्वय दृढ़ता अगले अभिगमादेव कल्पित रूपेण स्वीकृत एव अवश्यं भावि बुद्ध्यादिभ्य व्यतिरिक्ता विलक्षणाश्च ईश्वरा भिन्न लक्षण आत्मानो न संति, वास्तव में बुद्धियादियों से भिन्न और बुद्धियादियों से विलक्षण, विलक्षण का मतलब कैसा, ईश्वर से भिन्न लक्षण, विलक्षण का ही व्याख्या है वो, ईश्वरा भिन्न लक्षण आत्मानो जीवा न संति, है ही नहीं वास्तव में, एक एव ईश्वरश्च आत्मा सर्वभूतानां नित्य मुक्त अभिगम्यते, क्योंकि हमारी स्वीकृति क्या है, हम एक में यही मानते हैं एकमेव द्वितीय ईश्वर जो ब्रह्म है वही सकल भूतों का आत्मा है, नित्य मुक्त है, इस सकल जीव भी क्या है वाकई में, वास्तव में सकल जीव भी नित्य मुक्त ही है, ये हमारा मत स्वीकृत है। बाह्य चक्षुर बुद्धियादि संहार संतान अहंकार मत्वादि विपरीत प्रत्यय प्रबंध अविच्छेद लक्षण नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त विज्ञान आत्मेश्वर गर्भो नित्य विज्ञान अवभास चित्त चैत्य बीज बीज स्वभाव कल्पितो अनित्य विज्ञान ईश्वर लक्षण विपरीत अप्युपगम्यते, हम इस प्रकार का जीव को मानते कल्पितो अप्युपगम्यते, ऐसा अनुभव कर दिया। बाह्य चक्षुरादि अविच्छेद लक्षण कल्पित अप्युपगम्यते, ऐसा नहीं है, हम भी जीव ईश्वर से भिन्न जीव को मानते हैं लेकिन वो जीव जिस प्रकार का मानते वो कल्पित मानते हैं, यथार्थ में नहीं मानते, यदि यथार्थ भेद मानते हो तो हम उसको निषेध करते हैं, कल्पित भेद मानोगे तो सिद्ध साधन दोष हो गया, जन्म है ना वही कर, पहला पक्ष यदि यथार्थ मानेंगे तो उसका खंडन हुआ, बुद्धियादि बुद्धियादि व्यतिरिक्त यादृश तार्किक उपगम्य थे, जिस प्रकार से तार्किक लोग मानते मन से भिन्न आत्मा मानते और मन आत्मा का संयोग से आत्मा में चेतनता प्रकट हो जाता है, नहीं तो आत्मा जड़ है चैतन्य नहीं है, आत्मा में मन का संयोग होने पर आत्मा में चैतन्यता रूप ज्ञान उत्पन्न होता है, गुण रूपेण उत्पन्न होता है, ऐसे जो मानते हैं वो लोग बुद्धि से मन अंतकरण से मन से आत्मा को भिन्न मानते हैं, एक बुद्धियादिभ्यो व्यतिरिक्त आत्मान, दूसरा विलक्षणाश्च विलक्षण भी है वो किससे विलक्षण है, ईश्वराद भिन्न लक्षण अति विलक्षण, ईश्वर से वो भिन्न लक्षण वाले होने के कारण से विलक्षण मानते न्यायिकादि लोग, क्योंकि उनके यहाँ न्यायिक लोग क्या मानते हैं, परमात्मा को नित्य ज्ञान नित्य इच्छा नित्य प्रयत्न वाला और जीव को अनित्य ज्ञान अनित्य इच्छा अनित्य प्रयत्न वाला, इसे विलक्षण होगी नहीं बताना, ईश्वरा विलक्षणा से दो नंबर टिप्पण कहते हैं, विलक्षणा का ही व्याख्या है ईश्वरा भिन्न लक्षणा, ऐसी जो आत्मा को वे मानते वो न संधि तार्किकों के द्वारा स्वीकृत एतारश जो परमात्मा से अत्यंत भिन्न अत्यंत विलक्षण कोई जीवात्मा नाम की चीज हम नहीं मानते, किंतु हम क्या मानते हैं, एकमेव अद्वितीय जो ब्रह्म है वही सकल भूतों का आत्मा है अतएव नित्य मुक्त है, यही हमारे मत में स्वीकृत। तब आप कहोगे महाराज फिर जीव क्यों दुखी है, जन्म मरण वाला दिख रहा है, सब क्यों लगे हुए हैं पुण्य पाने के लिए, ब्रह्म ज्ञान के पीछे पड़े हुए हैं मोक्ष पाने के लिए क्यों, तब कहते हैं जवाब ये सब
कल्पित जो है इसको मिटाने के लिए, ये जो कल्पना कभी अनादि काल में हो गई है जिसकी वजह से हमें बंधन प्रतीत होता है, उस बंधन को मिटाने के लिए सब प्रयास है। कल्पित को ही अब मिटा सकते हैं, अकल्पित को मिटा नहीं सकते, और कल्पित स्वतः नहीं मिटता है, कल्पित को मिटवाना पड़ता है। यानी अब जो पहले जैसे बोल दशम स्तंभ से अवकल्पित है, दशम में मारा, सबके दिमाग दसों के खोपड़ी में भर गया कि दशम मर गया है, अब वो कल्पना को मिठाएंगे कैसे? स्वतः थोड़ी मिट जाएगा अपने आप, नहीं कोई कृपालु आचार्य, कोई सत्पुरुष आया, उसने दयालु, उसने समझाया तो दूर हो गया। अब रज्जु में सर्प को देखा, भ्रांति दूर कैसे होगा? स्वतः थोड़ी मिट जाएगा दूर अपने आप, या तो निमित्त बदलाओ वापस, मंद अंधकार है पूरा प्रकाश दो तो आदमी को दिखेगा, ओ अरे भाई रस्सी है ये, तो अपने आप उसकी दूर हो गई, विशिष्ट प्रकाश आदि का आनयन तो करनी पड़ेगी। या कोई व्यक्ति आके कहेगा भाई नायम सर्प यम तो रज्जो, तब तो हिम्मत करके इसको छू के देखेगा। तो इस तरह से अन्य प्रबोधित होनी चाहिए, यह अतत विरोधी निमित्त को उत्पन्न करना पड़ेगा अज्ञान का, जिस अंधकार विरोधी प्रकाश को उत्पन्न किया जाए उसी प्रकार से अज्ञान को विरोधी ज्ञान को उत्पन्न करना पड़ेगा, और वो गुरुपदेश आदि से नहीं हो सकता, बिना गुरुपदेश आदि का नहीं हो सकता। आचार्य देव साधिष्ठा कह दिया, आचार्यवान पुरुषो वेद ये सब बोल चुके हैं। इसलिए कहते हैं ये जो कल्पित जीव है ईश्वर से भिन्न, हम जो जीव मानते हैं वो कल्पित मानते हैं। वो कैसा है वो वर्णन कर रहे हैं, बाह्य कह दिया मैंने अज्ञान विषय बाह्य जीवा इत्यर्थ चार नंबर टिप्पण। चक्षु बुद्ध्यादि समहार संतान, ऐसा है वो चक्षुरादि नाम समारह ने संघात, चक्षु बुद्धि मैंने बाह्यकरण ले लिया, चक्षु शब्द से बुद्धि शब्द से अंतकरण, मैंने बाह्यकरण अंतकरण इन सबों का एक समहार संघात है, स्थूल सूक्ष्म शरीर वाले संघटन है ये, स्थूल सूक्ष्म शरीर से युक्त तो एक विशिष्ट संघटन है ये समहार संघात का संतान, उसकी निरंतर धारा चल रहा है, मर रहा है जी रहा है, मर रहा है जन्म रहा, मर रहा है जन्म, लगातार चल रहा है धंधा, है या नहीं? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये चल रहा है चक्कर। और भी क्यों चल रहा है? अहंकार ममत्व आदि, अहंकार ममत्व आदि से राग द्वेष वगैरह से आदि रूपा जो विपरीत प्रत्यय प्रतिबंध अविच्छेद लक्षण, ये सब कैसे हैं? विपरीत प्रत्यय है, विशिष्ट रूप का अविच्छेद, विशिष्ट रूप का जो है यहाँ अविच्छेद हो रहा है, जो विपरीत प्रत्ययों के जो प्रबंध मैंने धारा, विपरीत प्रत्ययों की धारा चल रही है। क्या विपरीत प्रत्यय? अमत्व आदि रूपा जो विपरीत प्रत्यय है उनकी जो धारा चल रही है वो धारा भी कैसी है? अविच्छिन्न धारा है, अविच्छेद लक्षणो कल्पितो, कल्पित है वो। इस बीच में ये कहां कल्पित है, किसमें कल्पित है वो? तो कह दिया नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त विज्ञानात्म ईश्वर गर्भो, ईश्वर में ईश्वर रूपी गर्भ में ये कल्पित है। गर्भ इव गर्भ, ईश्वर कोई गर्भ नहीं होता, गर्भ इव गर्भ, जैसे गर्भ में विद्यमान बच्चे का कुछ अता पता नहीं चलता, छिपा हुआ है, हैं? उसी प्रकार से ये जीव भी उसी में छिपा हुआ। नित्य शुद्ध बुद्ध विज्ञान आत्मा जो ईश्वर है वह है गर्भ जिसका, अर्थात वह है कारण जिसका, वह है अधिष्ठान जिसका, जिस अधिष्ठान में यह कल्पित है। नित्य विज्ञान अवभास, नित्य विज्ञान अवभास। इसे भाष्यकार नीचे टिप्पण कर दिखा रहे, देखो तत्र अहंकाराद विपरीत प्रत्यय प्रबंध विच्छेद लक्ष्यते इति तथा यद्वा तद अविच्छेदो लक्षण मान धर्मो यस्य इति व्युत्पत्त्या तादृश अविच्छेदवान जीवात्मा इत्यर्थः। व्युत्पत्ति दो प्रकार से कर दिया, अविच्छेदेन लक्ष्यते इति अविच्छेद लक्षण कल्पित जीव ऐसा, अतः अविच्छेदो लक्षण मने धर्मो यस्य बहुव्रीहि समास कस्य कल्पित जीवस्य, ऐसा बहुव्रीहि समास कर दो या
सुबंत के साथ कृदंत का समास कर, जैसा आपकी इच्छा, दोनों तरह से हो सकती है। नित्य विज्ञान विशेषभूतेन चैतन्य ज्योतिषा अवभाषित, नित्य विज्ञान अवभाषा। लेकिन ये भाषित कैसे हो रहा है, ये कल्पित वस्तु, ये जो कल्पित है भाषित कैसे हो गया, आपकी स्वरूपभूत नित्य विज्ञान के द्वारा प्रकाशित हो गया, इसे कल्पित वस्तु भाषित हो गया। जैसे सर्प जो भाषित हुआ रज्जु में, कौन उसको प्रकाशन किया, कौन पैदा किया, कौन प्रकाशन कर रहा है, बुद्धि कहाँ गई, बुद्धि का संबंध नहीं हो सकता उसके साथ, है ही नहीं वहां। हाँ, लेकिन वहां अविद्या पैदा करता है, अविद्या उत्पन्न करता है, जो शुक्ति का आवरण भूत अविद्यावच्छिन्न चैतन्य है, उस चैतन्य के साथ, उस चैतन्य में कल्पित है वो अविद्यावच्छिन्न चैतन्य, जो शुक्ति का आवरण रूपा अविद्यावच्छिन्न चैतन्य, या रस्सी के रज्जु के आवरण भूता अविद्यावचन चैतन्य रूपी अधिष्ठान में वह रजत या सर्प कल्पित हुआ। कैसे कल्पित हुआ, भी उसी का जो उपाधि अविद्या ने उस अविद्यावचन चैतन्य में ही रजत या सर्प को पैदा किया, और उसी का जो सत्वांश है, अविद्या का सत्वांश आवचन जो चैतन्य है, उसमें से आपका अंतर्गत अवचेतन ऐक्य होने पर ही प्रकाशन होता है। तमोवंशावचन चैतन्य अविद्या का तीन अंश है, सप्रज और तम, तमोवंशावचन चैतन्य वहां पर वस्तु को उत्पन्न करता है, वस्तु को उत्पन्न करता है, और रजोगुण आवचन जो चैतन्य है वो उसमें चाकचिक या मूवमेंट दिखाते, सर हिल रहा है ये दिख रहा है, और उसको सप्तंशावचन जो चैतन्य है उसी के साथ आपका अंतगुण आवचन चैतन्य के साथ अभेद होने से प्रकाश। अविद्या का सारा खेल है, शुक्तिवच्छिन्न अविद्या या रज्जुवच्छिन्न जो अविद्या है उसी का सारा खेल है, तदवच्छिन्न चैतन्य में ही सारा कल्पना हुआ, और उसी के तीन अंशों के द्वारा एक एक चीज कार्य होता है, और उसके साथ आपकी बुद्धि से निकली हुई जो अंतकरणावचिन चेतन जो गया है प्रत्यवचिन चेतन, वो उसके साथ अभेद हो जाता है, तब भ्रम हो जाता है। इस भ्रम का प्रकाशन कौन किया, यद्यपि आप सत्तावचिन चेतन ले रहे हैं वहां, सत्वचन के साथ किस कौन अभेद हुआ, ये वृत्तवचन चेतन, ये वृत्तवचन चेतन किसका साथ अभेद हो रहा है, अंतकरणावचन चेतन के साथ, उस अंतकरणावचन चेतन है क्या आपका नित्य विज्ञान ही तो है, उससे अवभाषित अंतकरण, अंतकरण से होकर सारा चीज का अवभाष, इसलिए कहते हैं नित्य विज्ञान अवभाष। और क्या हाल है वहां, चित्त चैत्य बीज बीज स्वभाव, चित्त चैत्य, चित्त हो गया प्रतिबिंब और चैत्य हो गया वृत्ति, चित्त और चैत्य, प्रतिबिंब और वृत्ति, प्रतिबिंब जो विज्ञान का जो प्रतिबिंब है उसको चित्त शब्द से कहा यहां पर, और सुखादि विषय जो वृत्तियां हैं, घटपटादि विषय जो वृत्तियां हैं वो चैत्य है, और बीज बीज स्वभाव, बीज क्या है, अविद्या रूपा बीज है, और उसमें बीजी जो कार्य कौन है, ये शरीर त्रय, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर त्रय को बीजी आ रहा है, सब आप गांधीगिरी में चले जाएंगे तो शायद सब कुछ मिलेगा, स्वभाव कल्पितो हो गया, आगे ना अभी अविच्छेद लक्षण है, गर्भ स्वभाव कल्पित, सब प्रथम विशेषण है, सारे जीव का विशेषण है, और नित्य शुद्ध बुद्धि युक्ति विज्ञान ईश्वर रूप अधिष्ठान में कल्पित है, और नित्य विज्ञान की अवभाषित होता हुआ चित्त चैत्य भाव बीज बीज स्वभाव वाला होकर के वो कल्पित है, और वह बुद्धि चक्षु उपाधि बाह्य होता हुआ चक्षु बुद्धि आदि जो समाहार संतान के अहंकार महत्व आदि के विपरीत प्रत्ययों का धारा का अविच्छेद रूपा है वो, और अनित्य विज्ञानवान ईश्वर विपरीत, ईश्वर लक्षण विपरीत, ईश्वर के लक्षण के विपरीत अभ्युपगम्यते, ऐसा जीव को हम स्वीकार करते हैं। यस्य अविच्छेदे संसार व्यवहार विच्छेदे च मोक्ष व्यवहार, एतार्ष संतान धारा जो प्रबंध चल रहा है, इस प्रबंध का अविच्छेद का नाम ही संसार है, इसका विच्छेदन का नाम ही मोक्ष। इसी में थोड़ी आनगिरी की पंक्ति जो घटा रहे हैं, चित्तम ज्ञानम, चित्तम क्या है, ज्ञानम।
ज्ञान से तात्पर्य प्रतिबिंबावच्छन चैतन्य, विज्ञान का जो प्रतिबिंब है वो ज्ञान है। चैत्या सुखादेव वृत्तयः, सुखादि वृत्तियां, और बीजम अविद्यादि बीजी शरीर तत्स्वभाव विशिष्ट से विशेषण तादात्म्य, तत्स्वभाव वाला मैंने एतारज विशिष्ट चैतन्य तत्त विशेषणों से तादात्म्य हो गए हैं। यस्य विशिष्ट रूप से अविच्छेद, एतारस जो विशिष्ट रूप है इसका अविच्छेद होना, तत्प्रविष्ट चित्त स्वरूप से संसार वारो, तत्प्रविष्ट चित्त स्वरूप क्या प्रतिबिंब, प्रतिबिंबात्मक जो चैतन्य है उसमें संसार वार हो जाता है। यस्य विच्छेदे प्रतिबिंब रूप से बिंब संपत्तिया, उसका विच्छेद मतलब क्या, प्रतिबिंब का बिंब में वापस लय हो जाना ही मोक्ष व्यवहार। स कल्पित रूप पृथक अभिगम्यते, वह कल्पित रूप है उसी को मैं ईश्वर से पृथक करके मानता, कल्पित को सिद्ध साधन मिथ्यातो सिद्ध साधन। इसलिए तादृश भेद तुम स्वीकार करोगे तो सिद्ध साधन दोष हो जाएगा, तो हमारे कोई आपत्ति नहीं, फिर आपका अनुमान हमारे अनुमान बराबर हो गया। इसलिए कल्पित भी शब्द जोड़ देना वहां स्पष्ट करने के लिए, जीव ईश्वरा भिन्न लक्षण भेद अपने कहा ना, तो वहां पर हम छोड़ दे कल्पित लक्षण भेदा, सब दोष है लक्षण भेद हम भी मान रहे हैं, नहीं रो यथार्थ नहीं है कल्पित, इतना ही अंतर है। यदि यथार्थ कहोगे तो अर्थ जीव हम मानते ही, और कल्पित कहोगे तो सिर्फ सब दोष हो गया। अद्वितीय पक्ष आता है अन्य, द्वितीय पक्ष अवच्छेदवाद लेकर मृत प्रलेपवत प्रत्यक्ष प्रध्वंस देव पितृ मनुष्यादि लक्षण भूत विशेष समाहार। मृत प्रलेपवत कह गया, देखो मृत लेपवत है ये, हैं प्रलेप को लेप को कोई बात, मृत प्रलेपवत आप क्या बनाते हैं, ईंट लगा करके, पहले जमाने तो दृष्टान्त ना आचार्य शंकर का समय, सीमेंट तो था नहीं, गारे बनाते, गारा बोलते थे, चूना मिट्टी और गुड़ का वो, और जो क्या बोलते हैं रेत से मिला करके वो बैल घुमा घुमा करके उसको बनाया जाता था, वो विशेष सीमेंट बनता था, बहुत लॉन्ग टाइम जीता था। उससे बना हुआ है जो पुल था ना चंद्रमा का पुल, उसी से बना हुआ था, उसको तोड़ नहीं सका मिलिट्री, और कह रहे 100 साल हो गया है इसलिए जो इसको तोड़ना है, आयु खत्म हो गया है इसका, ऐसा बोल करके उन्होंने ऊपर का तो तोड़ दिया आराम से, ऊपर सीमेंट को जैसे बनाया था बाद में लोगों ने बनाते गए बारम्बार, तो वो आसानी से टूट गया, लेकिन जो खंभे खड़े थे वो तोड़ ही नहीं पाए, आज तक भी टुकड़े वहाँ दिखते हैं, वहाँ अभी भी पड़ा, वो टूट ही नहीं पाए, उनको डायनामिट रख करके उड़ाना पड़ा, इतनी जबरदस्त था, आयु कहाँ खत्म हुआ था उसका, ये अपनी गणित से मूर्खों की गणित है, कहा जी आयु खत्म हो गया उसका जबरदस्ती, जैसे गलत ज्योतिष बोल देते ना ये आदमी मरने वाला है और आज बाद में जिंदा रह जाता है, वही हाल हो गया। तो कहते हैं कि भाई द्वितीय विकल्प में कि भी सिद्ध साधन दोष है, क्योंकि अविच्छेदवाद भी हमारे लिए स्वीकृत है कि जल सूर्य का आधिपत्य एक सूत्र ही है ब्रह्मसूत्र, उसमें प्रतिबिंबवाद स्वीकार किया है, और आभासवाद के लिए भी है, अविच्छेदवाद के लिए भी, सबके लिए सूत्र अलग अलग बनाया ब्रह्मसूत्र में, तीनों वाद को स्वीकार किया है, तीनों वाद के अनुसार आप व्यवस्था जीव का दे सकते हैं, है तीनों ही वादों में कल्पना ही है वास्तव में, चाहे कैसे भी कल्पना कर लो कोई दिक्कत नहीं है। अन्यश्चेति मृत प्रलेप, यहाँ दृष्टांत हम समझा रहे थे, आप कर दे क्या है वहां मिट्टी का ही ईंट बनाया, मिट्टी से उसकी चुनाई कर दी और मिट्टी से लेप कर दिया ऊपर में, और उस मिट्टी का लेप को बारम्बार कर दिया, हर हफ्ता में एक बार दो बार लेपते हैं उसको पूरा, और बारिश में तो रोज ही करना पड़ेगा, जैसे पानी पड़ेगा उस पर रोज हो जाएगा, फिर लेपो, ये चक्कर चलता है। तीसरे के मृत प्रलेपवत प्रत्यक्ष प्रध्वंसो, प्रत्यक्ष ही उसका प्रध्वंस दिखाई देता है मृत का प्रलेप का, लेकिन ईंट बना रहता है कि नहीं बना रहता है, उपाधि बाह्य जो लेप है, बाह्य लेप क्या है उपाधि भूता लेप है, और उपाधि रूपा जो लेप है, जैसे आकाश का घट है, आकाश का ध्वंस नहीं होता,
लेकिन घट का प्रत्यक्ष दोष दिखाई दे रहा है। अवच्छेदवाद में ही है जो उपाधि है वो ध्वंसवान होता है, अभी प्रत्यक्ष प्रध्वंस होता है उसका यथा तद्वत। यहां भी जो उपाधि बुद्धियादि उपाधियां इनका भी अविद्या के साथ ही प्रत्यक्ष प्रध्वंस हो जाता है। इसलिए कहते हैं दृष्टांत दिया मृत प्रलेप वत, जैसे वहां अंदर वाला जो ईंट है वो ठोस है, वो बना रहता है सदा के लिए, लेकिन जो बाहर जो लेप उपाधि है वो मिट जाता है। इसी प्रकार से जिसके अवच्छिन्न होकर के आप चैतन्य मान रहे हो, चैतन्य अंदर प्रवेश कर गया ना, इसमें अंदर गया है तो अंदर में रहने वाला चैतन्य वो ठोस है, वो नित्य है, लेकिन जो बाहर जिसके अंदर प्रवेश किया हम बोल रहे हैं ये जो उपाधि है ये प्रध्वंसी है। आकाश घट में प्रवेश कर गया है, इन अंदर में प्रवेश जो घटाकाश है वह घटाकाश नित्य है, किंतु घट मात्र उपाधि अनित्य होता है, अवच्छेद मात्र में ही नियम होता है। इसे कहते हैं बुद्धियादि कल्पितेभ्य विशिष्ट जो देव पितृ मनुष्यादि लक्षण भूत विशेष समाहार न पुनः चतुर्थो अन्यो भिन्न लक्षण ईश्वराद अभ्युगम्यते। देव पितृ मनुष्यादि रूपा भूत विशेषों का, भूत विशेषों का इसलिए कह दिया स्थूल शरीर क्या है पंचीकृत पंच महाभूतों का है, सूक्ष्म शरीर अपंचीकृत महाभूतों का है, और भूतों का भी कारण कौन है अविद्यात्मिका कारण शरीर है। ये तीनों शरीरों से विलक्षण आप हैं, जो चैतन्य है जो नित्य है वो तुरी है, उसको कह दिया चतुर्थो न पुनः चतुर्थो अन्यो भिन्न लक्षण। लेकिन ये सब समारोह से परिच्छिन्न होने वाला जो ये तो अवच्छेद कौन से अवच्छिन्न जो कौन है चौथा, ये तीन अवच्छेद है हमारे पास कारण शरीर सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर, इन तीन शरीरों से अवच्छिन्न होने वाला जो चौथा है वो अन्य न भिन्न लक्षण ईश्वर, वो ईश्वर का जो लक्षण है उससे भिन्न लक्षण वाला नहीं है। जैसे घट के अंदर घट रूपी शरीर से अवच्छिन्न जो आकाश है वो महाआकाश के लक्षण से भिन्न लक्षण वाला नहीं होता, उसी प्रकार से शरीर त्रयावच्छिन्न जो जो चैतन्य है ये शरीर वह चैतन्य बाह्य जो व्यापक अनवच्छिन्न अपरिच्छिन्न चैतन्य जो लक्षण है ईश्वर लक्षण उससे भिन्न लक्षण वाला नहीं है। पुनः चतुर्थो ईश्वराद भिन्न लक्षणों अन्यो न अभिगम्यते ऐसा अनुभव कर दिया। वह जो चौथा है इन तीन शरीर रूपी उपाधियों से जो तीन शरीर रूपी उपाधियों से जो अवच्छिन्न अवच्छेद वाल में ही कहूंगा ना मैं, यहाँ प्रतिम नहीं कहेंगे, प्रतिम में क्या बुद्धि में प्रतिम पड़ रहा था और अब बुद्धि नामे मत लो, अब शरीर तीन हो गए कौन देव मनु पितृ मनुष्य अनेक प्रकार की जो योनियां हैं ये सारी शरीर है और प्रत्येक शरीर के इसमें तीन प्रकार प्रत्येक में रहता है कारण सूक्ष्म स्थूल, इन तीन के अपेक्षा से चौथा तुरीय वो जो अंदर में बैठा हुआ चैतन्य वो चौथा कर दिया गया। उस चौथा जो तुरीय वह ईश्वर से भिन्न लक्षण होता हुआ अन्यत्व ईश्वर से भिन्नत्व न अभिगम्यते हमारे मत में स्वीकार नहीं है, अतएव सिद्ध साधन दोष आ गया। द्वितीय विकल्प सिद्ध साधन तो माह अनिश्चित आंधिकृत नहीं कह दिया। तृतीय कल्प के बारे में आंधिकार कह दे रहे, देखो तृतीय विकल्प बुद्धियादि कल्पितेभ्य विशिष्टात्मभ्य व्यतिरेकेण निरुपायित स्वरूप अभिप्रायण पक्षीकरणे हेतु आश्रय सिद्धा। बुद्धियादि कल्पितेभ्यो विशिष्टात्मभ्य बुद्धियादियों से कल्पित होकर जो विद्यमान विशिष्ट आत्मा है उनसे भिन्न निरुपायित स्वरूप अभिप्रायण हम यदि पक्ष बनाएंगे किसको जीवों को, पक्ष आपका जीव है लेकिन कैसा जीव निरुपाधिक जीवाहा, आप क्या अनु पक्ष बना रहे निरुपाधिक जीवाहा ईश्वरा भिन्नाहा, ऐसे कैसे होगा कि ईश्वर भी क्या है निरुपाधिक है, निरुपाधिक जीवाहा निरुपाधिक ईश्वराद भिन्न भिन्न लक्षण आप यदि कहोगे वह हेतु कहां रहेगा पक्ष में आश्रय सिद्ध दोष हो गया। इसलिए जैसे कोई कहे गगना अरविंदम सुरभि अरविंदत्वात्, वो अरविंद में गगनीयत्व क्या आकाश को समझ सकता है क्या, पक्ष का जो विशेषण है गगनीयत्व वही उस पक्ष में असंभव है, अतः हेतु पक्ष में तार्श विशिष्ट पक्ष में हेतु नहीं रह सकता। इस वर से भिन्न लक्षणत्व
भिन्न लक्षण तो कहाँ रहेगा, भिन्न वस्तु में ही रहेगा ना। निरुपाधिक जीव भिन्न है क्या? जब निरुपाधिक जीव अपने कह दिया उन्हें भेद रहित हो गया, वो भेद रहित में भेद लक्षण कहाँ से आ जाएगा? अतएव आश्रय से दोषग्रस्त हो गया। पक्षीकरण मैंने उसको आप अपने अनुमान का पक्ष बनाओगे तो हे तो आश्रय सिद्ध, आप कहे तो आश्रय से दोषग्रस्त हो जाता है। तादृशस्य आश्रयस्य मान विकलत्वात्, उस प्रकार कोई आश्रय मानने में कोई प्रमाण ही नहीं है। जैसे गगनत्व गगनीयत्व विशिष्ट कुसुम है ना, गगनीयत्व विशिष्ट कोई पुष्प मानने में कोई प्रमाण ही नहीं है। क्यों, पुष्प होता है संसार में लेकिन गगनीयत्व विशिष्ट पुष्प नहीं होता, गगन रूपी अधिष्ठान में पैदा हुआ पुष्प यह अप्रसिद्ध है, कोई प्रमाण से कोई सिद्धि नहीं कर सकते था। उसी प्रकार से आपका पक्ष भी निरुपाधिक जीव यदि कह देते हो, ऐसा जीव की सिद्धि कोई कर ही नहीं सकता है। ईश्वराधन्य आत्मा नास्ति वदता सर्वोपाधिस्त ईश्वर एव आपत्युक्तम भवते, इसलिए जो कहता है ईश्वर से भिन्न आत्मा नहीं है, अन्य आत्मा नास्ति, ऐसे कह करके आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं सर्वोपाधिस्त ईश्वर एव, जो कुछ तुम सकल उपाधियों में चैतन्य अनुभव कर रहे हो वह चैतन्य ही ब्रह्म है, कोई दूसरा नहीं है। इति आत्मा इत्युक्त, उसी को हम आत्मा कहेंगे, ईश्वर कहेंगे, ब्रह्म कहेंगे, कोई भी नाम लो तुम्हारी मर्जी है। इत्युक्तम भवति बुद्धियादि कल्पित आत्म व्यतिरेक अभिप्रायण तो लक्षण भेद आश्रय सिद्धो हेतु, ये तृतीय विकल्प के प्रत्येक तरह से भाष्यकार का जवाब है। बुद्धियादि कल्पित आत्म व्यतिरेकेण व्यतिरेक अभिप्रायण, यदि आपने पक्ष क्या बनाया जीवा, और जीव कैसे जीव लेना पक्ष में, बुद्धियादियों से कल्पित से भिन्न, बुद्धियादि से कल्पित से भिन्न ऐसा कोई निरूपाधिक जीव ऐसा पक्ष बनाओगे, यह पक्ष ही अप्रसिद्ध हो जाएगा। कि बुद्धियादियों से रहित हो जाए, उपाधि से रहित ऐसा कोई जीव कौन मानता है? किसी भी मत में स्वीकार नहीं हो सकता। इसे कहते हैं बुद्धियादि कल्पित जो आत्मा, उससे भिन्न कोई निरुपाधिक आत्मा को जीवात्मा के रूप में पक्ष रूपेण आपके लिए अभिप्राय है तो लक्षण वेदाते है तो आश्रय से दोषग्रस्त हो जाएगा, ऐसा ये तीसरे विकल्प के जवाब एक तरह से भाष्यकार ने कहा, जिसको आंधिकार ने पूर्व में कह असिद्ध हेतु हो। ईश्वराद अन्य आत्मनो असत्ता, क्योंकि ईश्वर से भिन्न कोई आत्मा हम मानते ही नहीं है। ईश्वराद अन्य आत्मनो असत्वात्, ईश्वर से पूर्व पक्ष खड़ा हो गया महाराज, फिर तो चौपट हो गया, फिर तुम्हारा ब्रह्मी संसारी हो जाएगा, और ब्रह्म को ही सुख दुख हो रहा है, ब्रह्म ही सुखी है, ब्रह्म ही दुखी है, ब्रह्म ही जन्म ले रहा है, ब्रह्म ही मर रहा है, गड़बड़ है। परमात्मा को कौन कहेगा सुखी दुखी होता है, परमात्मा को जीता मरता है, इसे कैसे कह सकता है कोई, असंभव। ईश्वर से वृद्ध लक्षणत्म अयुक्तम इति चेत सुख दुखादि योगश्च, इसे ईश्वर के अंदर ही यह वृद्ध लक्षण मानना या उसका सुख दुखादि का योग भी मानना दोनों ही उचित नहीं है। इति पूर्व पक्ष कहा इति चेत न, क्योंकि सभी उपाधियां ईश्वरी आपने कह दिया, लेकिन क्यों है? एक उपाधि कह रहे ईश्वर बड़ा सुखी है, दूसरा उपाधि का ईश्वर बड़ा दुखी है। एक उपाधि वाले ईश्वर कहता है मैं भूखा हूं, और दूसरे उपाधि मेरा ईश्वर कहता है मैं तो खा पी के भंडारा मस्त हो रखा हूं, ये क्या है? यदि एक ही ईश्वर सकल उपाधि में है तो ऐसे कैसे हो सकता है? कोई उपाधि में रहने वाला ईश्वर सुखी हो जाए, कोई उपाधि में रहने वाला ईश्वर जो दुखी हो जाए, कोई उपाधि में रहने ईश्वर कहते हैं मैं डायबिटीज को रोगी हूं, और किसी उपाधि में रहने वाले ईश्वर कह दिया मैं निरोग हूं मस्त ठीक ठाक, ऐसे कैसे होगा? एक ही ईश्वर यदि सकल उपाधियों में है, उस ईश्वर ज्ञान भी एक जैसा होना चाहिए ना, अलग अलग क्यों है? विरुद्ध लक्षण देखने को मिल रहा है और सुख दुख का योग भी देखने को मिल रहा है। ये तो एक ही ईश्वर सकल उपाधि में हो तो यह बात बिल्कुल उचित नहीं होता है। अयुक्तम इति चेत् न, तब अगला हेतु ला रहे निमित्तत्व सिद्धि लोभ विपर्य अध्यारोपणात् सवित्रिव, चौतीसवां सूत्र नानाभिगमात्
35 था जो आज जहाँ शुरू किए थे हम लोग 33 न अनपिगमार आज शुरू किए थे ना यहाँ से हेतु 33 और अब 34 निमित्तत्व सति लोभ विपर्य अध्यारोपण सवित्रिवा कहते बात ऐसा है वो निमित्त बात है। जैसे ये जीव अपने अज्ञान की वजह से सूर्य में आरोप कर देते दिन रात का, आप आरोप कर रहे हैं ना दिन और रात का सूर्य में, और सूर्य में भी दिन रात थोड़े होता है, सूर्य तो नित्य प्रकाशवान है लेकिन उसमें दिन रात का आपके जो आरोप होता है वो भी निमित्त को लेकर के। निमित्त क्या था? पृथ्वी घूम गई और आपको पता नहीं पृथ्वी घूम रही है, आप सोच रहे सूर्य घूम रहा है और सूर्य को कह दिया सूर्य और दिन सूर्य में दिन रात हो गया। नहीं, पृथ्वी का घूमने से पृथ्वी का पीठ पड़ गया सूर्य की तरफ, मैंने आप जहाँ बैठे हो पृथ्वी की, पृथ्वी गोला है, आप यहाँ बैठे सूर्य इधर है तो इसलिए आपको सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ा तो आप कहेंगे अंधकार हो गया। पृथ्वी घूम गई सूर्य के अभिमुख हो गई तो आप सोचो भाई प्रकाश आ गया तब जो है सूर्य का वो उदय हो गया। न सूर्य का उदय होता है न सूर्य का अस्त होता है, पृथ्वी घूमती रहती है उसको लेकर इस निमित्त को लेकर के आप आरोप कर दिए सूर्य का उदय और अस्त और तन निमित्त दिन और रात का व्यवहार सूर्य में आप कर देते हो। यथा ये आरोपित है तद्वत उस ईश्वर में सुखित दुखित्व विरुद्ध लक्षण सारी चीजें जीवों के द्वारा अज्ञान वशात आरोप मात्र ही है। निमित्तत्व सति लोक विपर्य अध्यारोपणात् सवित्रिवत् सूर्य के समान समझा रहे। देखो यथा ही दृष्टांत को पहले समझाएंगे, यथा ही सविता नित्य प्रकाश रूपत्वात्, सविता तो कैसा है नित्य प्रकाश स्वरूप है, वहां का अंधकार वहां का रात्रि होना वहां कुछ होना है लेकिन लोक अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति निमित्तत्व सति लोक का लोक के दृष्टिकोण में अभिव्यक्ति और अनभिव्यक्ति, हमारे दृष्टिकोण अभिव्यक्ति हुआ हो पहाड़ के ऊपर से आ रहा देखो देखो बोलते हैं देखो सूर्य उग रहा है ऊपर आ रहा है उधर से वो इधर देखते उधर नीचे जा रहा है, ये आप अध्यारोपित कर रहे हैं ना। आ लोक की दृष्टिकोण से अभिव्यक्ति हुआ और अभिव्यक्ति को निमित्त बना करके आपने सती लोक दृष्टि विपर्येण उदयास्तमय अहोरात्रादि कर्तृत्व अध्यारोप भाग भवति यथा सविता, इसी लोक दृष्टि में जो विपर्य हुआ भ्रांति हो गई, इस भ्रांति को हमने क्या कर दिया, भ्रांति कहाँ हमने और आरोप कहाँ लगा दिया उधर उल्टा, खुद अज्ञानी दूसरे को अज्ञानी कह देता है अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी मानता है। इसलिए श्लोक में कहा ना स्वाज्ञान ज्ञो अति विरला, याद है श्लोक नहीं क्या श्लोक था, नीतिज्ञ नियतिज्ञश्च शास्त्रज्ञोपि धर्मज्ञः ब्रह्मज्ञोपि भावः स्वाज्ञान ज्ञो अति विरलाः। नीतिज्ञ नियतिज्ञ नीतिज्ञ नीति को जानने वाले, नियति मैंने काल को जानने वाले काल गति ज्योतिषी, शास्त्र ज्ञों भी धर्मज्ञ विभिन्न शास्त्रों को जानने वाले धर्म धर्म को जानने वाले, ब्रह्मज्ञों भी बहवा ब्रह्मज्ञ भी बहुत है सब लेकिन स्वज्ञान ज्ञों अति विरल है, अपने अज्ञान को पहचानने वाले तो अत्यंत विरल है। सब ब्रह्मज्ञान अपने आप को मानने को तैयार है लेकिन कोई अपने अंदर छिपा हुआ अज्ञान को पहचानता ही और आरोप दूसरे में लगाता है वो अज्ञानी है हम तो ब्रह्मज्ञानी है बोलता है, अपने अज्ञान को दूसरे पर डाल दिया और दूसरे में ब्रह्मज्ञान है वो नहीं देख रहा है, दूसरे ब्रह्म है वो भी नहीं देख रहा उपाधियों में विद्यमान चैतन्य को। इसलिए कहते हैं लोक दृष्टि परिण क्या हो गया उदय और अस्त का व्यवहार और उसी के वजह से अहोरात्रादि कर्तृत्व अहोरात्र कर्तृत्व का आरोपण कर दिया सूर्य में अध्यारोप कर दिया, अध्यारोप भाग भवति अध्यारोप के भागी हो गया कौन सविता, यथा सविता अध्यारोप भाग भवति एवं ईश्वरे नित्य विज्ञान शक्ति रूपे इत्यादि।